महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और गोवा के चुनाव इंचार्ज देवेंद्र फडणवीस हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में आज प्रमोद सावंत को शपथ दिला दी गई है। डबल इंजन की सरकार से गोवा की जनता क्या उम्मीद करे? देखिए, मुझे बहुत खुशी है और सबसे पहले मैं गोवा के हमारे मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और मुझे विश्वास है ये टीम गोवा को गति की ओर और प्रगति की ओर ले जाएगी और निश्चित रूप से एक समृद्ध गोवा तैयार करने की जो मंशा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की है उसको ये टीम पूरा करेगी। सर, सरकार के सामने चुनौतियां बहुत हैं क्योंकि आप बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड रहे हैं इस राज्य से पिछले कुछ महीनों से, तो आप ये भी समझेंगे कि जो बात कही थी गोवा को इंटरनेशनल हब बनाना है, यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट देना है, माइनिंग की जहां तक बात थी वो पूरी करनी है, तो वो क्या समय रहते पूरी होंगी? बिल्कुल पूरी होगी। देखिए, चुनौतियां तो होती है और चुनौतियों से मुकाबला करना यही तो सरकार का काम है। लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए हर चुनौती का मुकाबला गोवा की सरकार पूरी ताकत से करेगी और सबसे बड़ी बात है इस सरकार के पीछे मोदी जी का हाथ है, आशीर्वाद है। इतना बड़ा केंद्र का हमारा जो सरकार है उसका सपोर्ट होते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि जो लोगों की अपेक्षा है उसको हम पूरा करेंगे। हालांकि 25 का नंबर बताया गया है लेकिन आम जनता यही कहती है कि स्टेबिलिटी रहेगी इस राज्य में। बिल्कुल स्टेबिलिटी रहेगी। हमने जब 13 थे तब भी स्टेबिलिटी थी, अब तो 25 है तो स्टेबिलिटी देंगे ही। मोदी जी जब जा रहे थे तो मोदी मोदी के यहाँ पर नारे लगे, सेमीफाइनल है कहा जा रहा था, जो अभी राज्यों में चुनाव हुए, मोदी लहर अभी भी बरकरार है? मोदी लहर बढ़ती जा रही है और 2024 में लहर नहीं होगी, सुनामी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर।